हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई एम विद माय न्यू वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा कूलम्स लॉ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। नाउ फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पर ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम। अब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे फार्मूले में। इंटू 10 पावर माइनस 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, जो कि ऑप्शन है हमारे। फर्स्ट 1 कूलम, सेकेंड 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम, थर्ड वन इज 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 18 एंड फोर्थ वन इज 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 20। अब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, बिकॉज 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कूलम्स लॉ। बट बिफोर स्टडिंग कूलम्स लॉ वी मस्ट नो अबाउट द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि टू चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड हैविंग स्मॉल चार्ज ऑन देम। इसका मतलब हुआ कि सपोज कोई भी दो चार्ज हैं क्यू एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है टू है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है टू है वो बहुत ही ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू चार्ज ऑन देम। इसका मतलब हुआ टू ए विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द चार्ज ऑन देम। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो चार्जेस कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है। वो स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करेगा वो किस तरह हम डिफाइन करेंगे। सपोज़ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, देर इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो हमने किस तरह डिफाइन किया है, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कांस्टेंट क्या है हमारा के। के विल बी इज इक्वल्स टू 1/4πε0, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। के है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर इसकी यूनिट है एंड के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। εo यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या मतलब है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो मीडियम है, अभी हमने सिर्फ एयर कंसिडर किया है बट अगर हम उस मीडियम को कुछ और चेंज करते हैं तो हमारी जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट एयर के केस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻¹2 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर इसकी यूनिट है। अब हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया है बट हम अब कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे बट इन वेक्टर फॉर्म। नाउ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सपोज देर आर टू पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट एंड वी हैव थ्री एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस है ना, एंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू वन चार्ज इज डिफाइन एज आर वन वैक्टर। मतलब जो ओरिजन से जो पोजिशन है क्यू वन चार्ज की वो क्या है, आर वन वैक्टर, और क्यू टू चार्ज की है आर टू वैक्टर। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। अब Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है F12 एंड Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो है F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या होता है हमारा कूलम्स लॉ की हेल्प से, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा सिंपल फोर्स है। बट अगर हम फाइंड करें कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज जो वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब हम R कैप को यूनिट वेक्टर को अगर हम लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, R कैप विल बी इज इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन R। तो इसी तरह यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किस तरह होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, अभी जो एक आर है ये नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर की बजाय क्या हो जाएगा, आर क्यूब।
सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट विल बी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर फॉर्म में किस तरह हम कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर्स को किस तरह ऐड करते हैं, उसी तरह हम फोर्स को भी ऐड करेंगे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि जब किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हों तब हम उस पर फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। सपोज देयर आर सेवरल चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4। अब Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो किस किस की वजह से लगेगा, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से एंड Q4 की वजह से। सो Q2 की वजह से जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Q1 के ऊपर Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जो क्या होगा F13, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3 चार्ज। नाउ अब 4 की वजह से लगेगा F14 उस डायरेक्शन में। अब हम Q1 पे जो फोर्स निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, नेट फोर्स निकलेगा, जो क्या होगा इन सबका वेक्टर एडिशन। सिंपल एडिशन नहीं कर सकते हैं, हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। सो F1 जो वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स होगा वो होगा F13 प्लस F14 प्लस F12। दिस इज़ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q3 एंड Q4। नाउ हियर आर सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो या तीन चार्जेस के बीच में। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सपोज 3 पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ओनली पॉइंट चार्जेस। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि 3 पॉइंट चार्जेस विच हैविंग अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ हैविंग 10 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही चार्ज रखे हुए हैं। सो सक्सेसिव दे आर प्लेस्ड एट 2 मीटर अपार्ट, सक्सेसिव जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो कितनी है, 2 मीटर। जो सक्सेसिव डिस्टेंस है उनके बीच में वो है, सक्सेसिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। नाउ कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है जो राइट साइड पे जो चार्ज है उस पर हमें फोर्स निकालना है। अब इसका हम सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। सपोज इस तरह 3 चार्जेस रखे हुए हैं और चार्ज हमें दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, तीनों का इक्वल है एंड दे आर 2 मीटर अपार्ट एक दूसरे से, वो कितना दूर हैं, 2 मीटर अपार्ट, ठीक है। अब हमें फोर्स फाइंड करना है ऑन द राइट हैंड साइड पे जो चार्ज है वो कौन सा है, Q3। Q3 चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करना है। अब Q3 पर किस किस की वजह से फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से एंड Q1 की वजह से, इन दोनों की वजह से Q3 पर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैसे पता चलेगी, कूलम्स लॉ से। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो है Q3 1 और जो Q2 की वजह से लगेगा वो है Q3 2। पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हमें सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो अगर एक ही डायरेक्शन में है फोर्स तो हम उनसे सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो F31 क्या होगा, K Q1 Q3 अपॉन R2। तो फर्स्ट चार्ज हमें वैल्यू गिवन है, तो K की वैल्यू है 9×10⁻⁹ एंड सेकेंड चार्ज की वैल्यू है 10×10⁻⁶ क्योंकि माइक्रोकूलम है। तो R की जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, बट Q1 से Q3 के जो बीच की डिस्टेंस है वो है हमारी 4 मीटर, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे, ठीक है। अब इसको सब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास, 9×10⁻⁹
ये प्लस 9 है, तो क्या हो जाएगा 10^-3। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये क्या है हमारा प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 10^-3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 पॉइंट, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0.5625 के 10^-3 नहीं आएगा, सॉरी 0.5625 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। सिमिलरली अब जो हमें फोर्स फाइंड करना है थर्ड चार्ज पर, Q2 की वजह से जो फोर्स हो वो क्या होगा K Q2 Q3 / r². नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज़, K की वैल्यू है 9 × 10^9 एंड Q2 Q3 की वैल्यू सेम है जो कि है 10 µC एंड डिवाइडेड बाय, अब Q2 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2 मीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन में से हमें पता चल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। नाउ अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, जो हमारी वैल्यू आएगी वो कुछ होगी 9/4 वी गेट 2.25, जो क्या होगा 0.225 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। नाउ अब जो हम F3 पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा Q2 और Q1 की वजह से, उसका हम क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो हम इसे सिंपली ऐड कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो जो टोटल नेट फोर्स होगा वो कितना होगा दोनों का एडिशन। याद रखना वेक्टर एडिशन होता है बट वो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हमने सिंपली ऐड कर दिया है 0.8875 और उसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट। नाउ अवर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि 3 charges Q ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एंड साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1 मीटर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बनाएंगे, अब इसमें जो जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो हम ड्रॉ करेंगे। साइड दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर, अभी हम A कंसीडर कर लेते हैं, बट A इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या क्वालिटी होती है कि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। नाउ द चार्जेस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों वर्टिसेस पे जो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं और सेम साइन के चार्ज, अब हमें फोर्स फाइंड करना है एट द सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल किस तरह हम डिफाइन करते हैं ये देख लेते हैं। अब हमें इस पॉइंट पे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पे फोर्स नेट फोर्स फाइंड करना है इन तीनों चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से जो फोर्स है वो डाउनवर्ड और क्यू की वजह से इस साइड डायरेक्शन में है और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगा इन तीनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वही नेट फोर्स होगा एट द सेंट्रोइड ऑफ एन ट्राइंगल। बट उस चीज़ के लिए हमें कौन सी डिस्टेंस पता होना चाहिए, हम दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए फोर्स फाइंड करने के लिए, तो उस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे जो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ये 90° एंगल बना रही है परपेंडिकुलर और दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो AD की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, AD की वैल्यू आएगी √3a/2 इन ट्राइंगल ABD, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा AD² विल बी इक्वल्स टू A² - A² / 4, जो कि आएगा AD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3a/2, AD की वैल्यू है हमारी, ठीक है। बट हमें तो ये वाली डिस्टेंस सी है छोटी सी, और ये जो रेशियो होता है इस लाइन का वो होता है 2:1, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए AO की, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, इसकी हमें जो वैल्यू चाहिए वो AO की वैल्यू चाहिए। तो अब हम AO की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AD की जो वैल्यू है वो 3x विल बी इक्वल्स टू √3a/2 x की जो वैल्यू है, मतलब हम रेशियो से इसको निकाल रहे हैं, तो क्या होगी इसकी वैल्यू है √3a/6 x की वैल्यू,
और हमें ए ओ की वैल्यू चाहिए जो क्या होगी 2x, जो कि 2 इंटू रूट 3 ए बाय 2 इंटू 3, तो क्या बचेगा हमारे पास ए बाय रूट 3। ए ओ की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है ए बाय रूट 3, और ओ डी की जो वैल्यू है वो है ए बाय 2 रूट 3। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू पता चल चुकी है। इससे हम कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स ऑन चार्ज सेंट्रोइड पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, इसकी वजह से जो नाम हम इसे नाम दे देते हैं F1, F2 एंड F3। अब हम सबसे पहले F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, कूलम्स लॉ से F1 विल बी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही है और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बाय रूट 3। अभी हम वैल्यू नहीं पुट करते हैं, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाय रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा F1। सिमिलरली F2 एंड F3 भी कैलकुलेट कर लेंगे तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो भी सेम ही वैल्यू आएगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, तो वो क्या आएगी हमारे पास KQ² अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू ए बाई रूट 3 है तो 3 KQ². नाउ अब जो हमारे पास है F2 क्या है 3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर, और F3 की जो वैल्यू है वो भी यही है 3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो किस डायरेक्शन में है, F1, F2 एंड F3, 3 अलग अलग डायरेक्शन में। अब हमें इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो F2 और F3 का जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। F2 F3 का जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे, अब यहाँ से F2 और F3 की वैल्यू देखेंगे तो वो सेम ही है, तो F2 F3 विल बी इज इक्वल्स टू F, फॉर अवर कन्वीनियंस हम F ले लेंगे। नाउ अब हम वेक्टर एडिशन किस तरफ करते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे F2 और F3 का तो क्या आएगा, वो भी F ही आएगा। तो F हमारा F2 और F3 का वेक्टर एडिशन क्या आया, F, जो कि इस डायरेक्शन में है। अब F1 और F की जो है वो इक्वल एंड मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि F1 और F की जो डायरेक्शन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल बी बैक विथ मोर न्यूमेरिकल्स।